ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली से लखनऊ जा रहे शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में, क्योंकि अचानक से शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई है। आग लग जाने के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई। ये घटना यूपी के गाजियाबाद स्टेशन पर हुई है। शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने से लोगों को बीच हड़कंप मच गया। ट्रेन में आग लगने की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और काफ़ी मशक्कत के बाद ट्रेन में लगी आग को काबू कर पाया। दरअसल लखनऊ शताब्दी ट्रेन की लगेज बोगी में लगी थी। रेलवे के मुताबिक इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना की वजह से करीब एक घंटे तक गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन को रोक कर रखा गया। हालांकि आग लगने से लगेज बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया था। इसके बाद ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे दमकल विभाग को लखनऊ शताब्दी में आग लगने की जानकारी मिली थी। हादसे के कारण पता लगाने के लिए रेलवे ने जांच के आदेश दे दी है। इससे पहले 13 मार्च 2021 को देहरादून शताब्दी के C5 बोगी में अचानक आग लग गई थी। हालांकि इस हादसे में कोई जानमाल नुकसान नहीं हुआ था। उस वक्त रेलवे ने इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया था। तो आप लोगों को क्या लगता है, दिल्ली से लखनऊ जा रहे शताब्दी एक्सप्रेस में जो आग लगी थी, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी या कोई अदर कारण है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।